रिलेटेड टू कन्वर्सेशन ऑफ द नंबर सिस्टम आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम है कंसेप्टिल अगर कोई भी अगर बाइंड्री आपको वैल्यू दिया हो इन बाइंड्री डिजिट दिया हो तो उसको कैसे आप उसको -able, find able to see, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बात करते हैं

फोर so नंबर होते हैं बाइनरी में क्या होता है नंबर कौन कौन तो जीरो वन क्योंकि इसके अंदर डिजिट uh, कौन कौन से आते जस्ट बी ए गोन टू बे गेट माइनस वन ऑफ द बेस गाइस बेस जितना भी दिया उसे माइनस वन कर दो सो so जितना आएंगे उतना आपके डिजिट आएंगे तो एज वेल ए टू बे स्टार्ट फ्रॉम द जीरो गाइस सो मतलब

So, so, yes, तो इंक्लूडेड है सिक्स सिक्स so, तो हो तो आपको होते अल्फाबेट में ए टू एफ होते जहां ए का वैल्यू टेन होता है सेम थिंग गोन्ट टू बी इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू दैट जहां वेल एवर टू सी एफ का वैल्यू आपका फिफ्टीन होता है सो so,

अब देखो इसको दो मेथड से हम सॉल्व करते हैं एक तो होता है कि डायरेक्ट जो हमारा जो एग्जैक्ट मैनुअल जो मेथड है जो डिवाइड के मेथड से हम करते हैं दो से यहाँ पे तो बेस इसका में कन्वर्ट करना है तो दो से हम इसको भाग देते हैं भाग देने का मतलब कि जो क्वेश्चन आता है इट विल गो फॉर द नेक्स्ट इटरेशन एज वेल जो रिमाइंडर आता है रिमाइंडर हमारा बाइनरी इवेल्यूशन में इवेल्यूट होता है सो so, जब तक हमारा क्वेश्चन जीरो ना आ जाए तब तक हम क्या करते हैं इटरेशन को कंटिन्यू रखते हैं ओके

या तो ट्वेंटी फाइव मतलब जो नंबर है वो आना चाहिए उससे कम आना चाहिए मतलब नियर आना चाहिए उससे ज़्यादा हमको नहीं जाने टू के पावर में सो so एन चार दिन आठ दिनों सोलह बी बत्तीसिडर उसे लेस आते हैं तो दो दोनों चार सोलह मतलब टू का पावर फोर सो टू का पावर फोर दो दोनों चार दो आठ दिनों सोलह ले लिया हमने अब देखो टू पावर फोर हो गया मतलब यहाँ पे क्या आ गया सोलह आ गया अब पच्चीस लाने हैं पच्चीस में और क्या जोड़ोगे सोलह आएगा सोटू सी अब सोलह है चार बीस

जहां जहां टू के पावर आए जब भी आपको डेसिमल टू बाइनरी करना होता है जहां जहां वन गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द टू के पावर जीरो एज वेल गो टिल सो ये क्या होता है कोई भी अगर बाइनरी दिया हो, उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पहले बाइनरी वैल्यू को हम क्या करते हैं उसके लेंथ को फाइंड करते हैं टोटल कितने बिट्स दिए हुए अकॉर्डिंग टू दैट प्रत्येक बाइनरी लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं प्रत्येक को क्या करते हैं जो बाइंड्री दिया रहता है एजबल जीरो मतलब ये हमारा इनिशियल स्टेट है गाइस एज वेल पावर वन भी आना चाहिए टू के पावर टू भी आना चाहिए टू के पावर थ्री टू के पावर फोर दिया हुआ तो जहां जहां आपका टू के पावर वन रहा वहां पे वन लिख दो एज एजबेल रेस्ट पे आपको जीरो लिख देने मतलब यहाँ पे टू का पावर जीरो है

कि बाइनरी तो पूछेगा लेकिन वहां पे फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर दिया रहते हैं मतलब कि जैसे मान लो ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव दिया हो और ये आपको डेसिमल को बोल दे कि इसका बाइनरी क्या होगा इसका बाइनरी क्या होगा दैट वेरी एबल टू सी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस पैरेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तो डिफिक्टल टू सी हम सारे कन्वर्सेशन को पर डिस्कस करने नहीं नहीं जा रहे वाली हम उस कन्वर्सेशन को कर रहे हैं जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम में आते हैं एग्जैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ओके सुफेबल टू सी यहाँ पे देख लो गाई अब जब डेसिमल फ्रैक्शनल डेसिमल दिया हो तो इसको कैसे आप आंदन में कन्वर्ट करोगे तो देखो इसको क्या करते हैं दो भाग में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कौन कौन से गाई सोलेट सी यर गाई जो आपका डेसिमल दिया हुआ मतलब जो इंटीजर दिया हुआ उसको अलग करेंगे और जो फ्रैक्शनल उसको अलग कर देते हैं सो so, 25 को अलग कर ट्वेंटी पॉइंट सिक्स फाइव को अलग कर दिया अब 25 को अभी हमने बनाया था ना यूसी सेम मेथड से हम 25 को निकाल लेंगे गाइस ओके जैसे आया था वन वन जीरो जीरो वन सो वन वन जीरो जीरो वन आपका तो मालूम चल गया ट्वेंटी नाउ वी आर गोइंग टू बी फाइंड फॉर द पॉइंट सिक्स फाइव गाइस

हम so, हम उतने तक तो आगे बढ़ेंगे so, मान जाओ अगर हम बात करते हैं पे थ्री सिग्निफिकेंट, जानने है ओके? थ्री सिग्निफिकेंट हमको आगे बढ़ने हैं स्वर्ड गोन्टुबियर अब इसको पहले दो से गुना करोगे स्वर्ड बियर गुंटूबियर दो से करोगे दो पचास दस को सुना कैरी वन दो सौ बारह तेरह मतलब

तो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो क्या आएगा है ना जीरो हमारे पास पॉइंट जीरो है सो पॉइंट सिक्स जीरो गुना टू वट बी गिफिकेट वन पॉइंट टू जीरो अभी ये वन हमारा बाइनरी के लिए आ जाएगा वन सो दैट्स वी बी अकॉर्डिंग टू दैट थ्री सिग्निफिकेंट जाने सो वट वी टू अब देखो यहाँ पे

बेस so, you know कितना होता है एट इन देंस टू टू पावर थ्री सो वी आर टू बी सी द्री बीट गोन्ट टू बक्यूपाई फॉर दैट सो वॉट वी आट टू भी हियर अब जब भी हम ऑक्टल कन्वर्सेशन करेंगे फॉर गिवन एनी बाइंडरी तो उसको क्या करते हैं ग्रुपिंग बनाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट थ्री बाय थ्री का हम ग्रुपिंग बनाते वर्ट गोन बी थ्री बाई थ्री का ग्रुपिंग बनाते हैं थ्री बाई थ्रू का यहाँ पर लगा लगाने से कोई इसका चेंज नहीं होगा अदरवाइज आप इसको दो है तो दो ही रहने दो अब जैसे ही आपने थ्री बाय थ्री का ग्रुपिंग बना दिया नेक्स्ट नेक्स्ट वर्टी टू जस्ट इसका जो एग्जैक्ट जो इसका ऑक्टल जो वैल्यू होता है इसको आप लिख दो यहाँ पे गोन्टूबियर वन वन जीरो को मतलब क्या होगा सो इसलिए इसका वैल्यू टू का पा वन गुना टू का पा जीरो करेगा तो वन टू तो दो एक तीन हो जाएगा इसका इसका क्या हो जाएगा जस्ट वन वी आर गेट इसका क्या होगा जीरो वन टू दोनों चार एक पांच हो जाएगा एस वैल्यूबल टू सी इसका क्या जीरो वन मतलब दो हो जाएगा सुपियबल टू सी यू आर गोन्टिव गेट द टू फाइव वन थ्री एज द ऑक्टल कॉन्वर्सेशन दट वेरी सिंपल गाइज हो गया ये आपका आंसर हो गया अब सेम थिंग दिया रहेगा यही चीज को इसको पूछ दे, इसका सो हाउ नो गाइस सो लेट्स सी हियर हाउ टू बी सॉल्व दिस क्वेश्चन अब देखो जब भी आपको इस तरह दिया सेम थिंग क्वेश्चन को अगर हम करते हैं यहाँ पे सो लेट सी हियर गाइज अगर हम लेट सी जैसा मिनट हाँ अब देखो पे 2 है 5 है 1 और 3 है और ये अगर इसी को पूछ दे इसका क्या होगा सो हाउ वी आर गोइंग टू बी फाइंड गाइड सो से थिंक अबाउट दैट अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं एज यू नेबल टू नो कि जब हम बाइनरी को ऑक्टल में तो थ्री बाय थ्री का पेयर बनाए सेम थिंग वी आर गोइंग टू बी हियर इसको क्या करोगे बाइनरी में लिख दोगे इसका वैल्यू

आपको डेसिमल एक्सट्रा डेसिमल में निकालना हो तो क्या करते हो जस्ट बी काउंट लेंथ ऑफ कितना है जीरो करेंगे जीरो से remember, करेंगे जीरो फोर्स तो वन को क्या करोगे जीरो प्लेस करोगे इसको वन है इसको टू है इसको थ्री है अब देखो जहां जहां वन है उसी को कंसिडर करेंगे बाकी को नहीं करेंगे क्योंकि जीरो गुन एनी so जीरो जीरो प्लस पे है तो मतलब टू का पावर जीरो जाएगा तो, 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 तो मतलब थर्टीन हो गया इसका गाइस क्लियर जीरो दो चार दो आठ आठ चार बारह एज वेल दन इज बी अगोटिविकेट फॉर दर्टीन गाय सो इसका अब देखो थर्टीन आ गया लेट्स इनिशियल मेंन एज वेल द सेकंड वन वन है मतलब ये हमारा वन हो गया टू मतलब थ्री इसका हो गया आंसर इसका कितना हो जाएगा तो जीरो वन टू थ्री दो चार दिन आठ आठ दो दस ग्यारह हो गया अब हिबल टू गेट गाइस इलेवन थ्री एज वेल दर्टीन गाइज सो कैन यू एबल टू सी दिस इज योर करेक्ट आंसर नो गाइज आपको एक्सर डिस्मेन करने है so, सो एक्सर डिस्मिन में इनो, इनो की नंबर हमारे टोटल जीरो टू तो नाइन होते एज वेल रेस्ट क्या होते है ए टू एफ होते हैं जहाँ ए का वैल्यू टेन होता है बी का एलेवन सी का ट्वेल्व डी का थर्टीन ई e का फोर्टीन एज वेल द एफ का फिफ्टीन होता है तो थर्टीन थर्टीन किसका होगा स्टेल मी तो ए बी सी डी मतलब ए फॉर टेन बी फॉर इलेवन सी फॉर ट्वेल्व

so I think able to get this concept guys let's see the next concept what we are going to be know guys next what we are going to be learn so same thing able to understand all those thing kabhi kabhi aapko kya you already I think able to understand all those various concept jo aapka main concept hona chahiye you are able to get all those thing guys okay next agar baat karte hain कि आपने ये भी देख लिया कि कैसे कोई भी number uh, decimal दिया हो तो उसको कैसे बानरिंग करेंगे कोई भी fractional दिया हो तो कैसे करेंगे so you are able to get all those concept guys clear है समझ में आगे नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी नो द कंसेप्ट रिलेटेड टू दाइज वंस एज वेल्स टूज कम्प्लीमेंट लेट सी हाउ वी आर गोइंग टू बी फाइन द वन एवल टूज कम्प्लीमेंट ये भी आपके एग्जाम स्पेसिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज वेल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो सी गाई सपोज आपको कोई भी अगर आपको मान जाए कि वन जीरो जीरो वन वन जीरो दिया हुआ है एज वेल बोल दे कि इसका इसका वंस एज वेल द टू कम्प्लीमेंट किया होगा गाइज ओके सो हाउ वी आर गोइंग टू बी नो गाइज सो लेट्स अगर वी आर गोइंग टू बी आस्क भी आस एज टूज कंप्लीमेंट फाइंड करो सो दैट्स वेरी सिंपल जब भी वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो जस्ट अगर आपको स्टेप वन में क्या करते हैं लेट्स सी आई एम गोइंग टू बी चेंज द पेन कलर सो अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हाउ वी आर गोइंग टू बी नो वंस कंप्लीमेंट के लिए जस्ट अगर आपको वन दिया हो तो इसको चेंज कर दोगे जीरो में जीरो दिया हो तो इसको चेंज कर दो वन में दैट्स वेरी सिंपल ये वंस का सॉल्यूशन हो गया सो एज इट इज इफ यू गोन्ट टू बी सी एज वी सीट टू बी टेक दिस एग्जांपल वन जीरो जीरो वन जीरो वन तो इसको अगर वंस निकालोगे तो वट यू आर गोन्ट टू बी गेट जस्ट वन है तो जीरो कर दो जीरो जीरो तो वन वन कर दो जीरो तो वन कर दो जीरो सॉरी वन है तो जीरो कर दो जीरो एट वन जीरो जीरो कर दो दैट्स वीट टू सी ये आपका हो गया वट ये आपका हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट का इस ओके okay, ये आपका हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट अब देखो जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है टू सी so, अगर हम बात सेम चीज अगर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वाट वी टू बी एबल टू सी जस्ट एड वन इन द वंस कंप्लीटमेंट रिजल्टेंट वैल्यू का इज अब देखो अब सी का इज यहां पर आपके आंसर क्या आया था तो जीरो वन वन क्योंकि यहां पर वंस क्या आया था जो भी आपको क्वेश्चन दिया था वंश जो आ गया है तो जीरो वन वन जीरो टू वी गेट सो जीरो वन वन, वन जीरो वन वन एज वेल एब सी जीरो वन जीरो गाइज जीरो वन जीरो पर क्या था वंस कॉम्प्लीमेंट था क्या था प्रीवियसली जो डेटा दिया था उसका वंस कॉम्प्लीमेंट था अब इसको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू बी डू जस्ट यहां पे प्लस वन कर देंगे फ्रॉम राइट में गाइज प्लस वन अब देखो यहाँ पे एक चीज होता है जब बाइनरी अर्थमेटिक निकालते हैं तो कैसे करते हैं अगर जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस वन बराबर जहां जीरो के लिए चला जाता है मतलब नेक्स्ट वाले के लिए एड हो जाता है सो सेम थिंग गोन्टिब्यूट वन टेन्सों पर जीरो आएगा वन यहां पर कैरी चलाएगा वन जीरो आपका हो गया आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे सोफ यूल्ट प्लीज डू कंटिन्यू एज वेल डू कनेक्ट विदल टू सी कंप्यूटर साइंस का जो हमारा आई फी एस का है वहां पर हमेशा आप <coughs>

www.ifsonline.com डब्ल्यू पर जाने एज वेल खुद को रजिस्टर करने देन आफ्टर दैट जैसे आप तो लोन फ्री सेक्शन में जाएंगे आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू बी गेट ऑल दोस कंटेंट फ्रीली गाइज ओके यू आर अबाउट टू सी ऑल दो थिंग्स सो थैंक यू गाइज एज वेल हैप्पी लर्निंग विद आई